उपसभा अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष का जो बजट आया है उसमें वित्त मंत्री महोदय ने बहुत से आश्वासन दिए थे कि महंगाई को रोका जाएगा और अब यह आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हर चीज़ की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है और उसको देखते हुए मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस साल के बजट को देश के लिए काला बजट कहा जा सकता है। श्रीमान जनता सरकार जब आई थी उस समय मूल सूचकांक 211 था, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई तो 16 महीनों में वह बढ़कर 233 हो गया, यानी 15% कीमतों में वृद्धि हुई। इसी तरीके से जब जनता पार्टी ने जो देश में गल्ले का स्टॉक छोड़ा था वह 18 लाख टन था, जो कि अब घटकर इस समय 10 लाख टन रह गया है। जनता सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसको रोलिंग प्लान कहा गया था और उसमें 50 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात थी। इस सरकार ने जो योजना बनाई है उसमें केवल 15 लाख लोगों को ही रोज़गार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस तरह से देखा गया है कि यह सरकार वायदे तो बहुत करती है, लेकिन उसके जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे निराशाजनक हैं। जनता पार्टी ने सिंचाई के लिए 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन की योजना रखी थी, जिसको इस सरकार ने घटाकर 13 लाख कर दिया है। वह भी कहां तक पूरी होगी इसका पता नहीं है। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए यह लक्ष्य रखा था कि जिन गांवों में बिजली नहीं है उनमें से 50% गांवों में बिजली दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने उसे भी 40% काट दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में गिरावट आई है, जबकि किसी भी क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। श्रीमान, इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज देश में भ्रष्टाचार में और अकुशलता में जो वृद्धि हुई है वह गंभीर चिंता का विषय है। एक ओर देश के किसान अपने गल्ले और कृषि उत्पादन की कीमतें बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि यदि अनाज की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी तो उपभोक्ताओं को अधिक कीमत देनी पड़ेगी। यह बात बिल्कुल गलत है। चीनी की कीमतें आप देखिए कि किसानों से गन्ना किस कीमत पर लिया जाता है और चीनी बाज़ार में किस भाव में बिक रही है। सरकार व्यापारियों को महंगे दामों पर चीनी बेचने से रोक नहीं सकती है और बिचौलिए किसानों से कई गुना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि किसान को अपनी उपज का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जानते हैं कि आज जो देश के अंदर शासन चलाने वाले हैं उनकी आबादी केवल 1% है और उनकी मदद करने वाले 40% हैं। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी 10% है, इसी प्रकार से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आबादी 10% है, बाकी के 85% लोग गरीब हैं या निम्न मध्यम वर्ग के हैं। इस तरह की असमानता हमारे देश में है तो किस प्रकार से देश के गरीबों का संतुलित विकास हो सकता है। आज भी देश के 50% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने के लिए मकान नहीं है,
वे लोग आज भी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। महोदया, केरल की जनता को इस बात पर रोष होना स्वाभाविक था कि उसे मद्रास और आंध्र की तुलना में राशन में चावल की मात्रा कम दी जा रही है। वहाँ के भूतपूर्व राज्यपाल महोदय ने भी लोगों को केंद्र के विरुद्ध उकसाया। यह बात अलग है कि जब लोग भड़क गए तो उन्होंने दमन की धमकी दी, जिससे परिस्थिति और भी बिगड़ी। अभी अभी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ है बड़ा खेदजनक है। 16 तारीख को लोग एक स्मृति पत्र पेश करने के लिए अधिकारियों के पास जा रहे थे। यदि कोई अधिकारी स्मृति पत्र ले लेता और सहानुभूति के साथ जनता की मांगों पर विचार करने का आश्वासन देता तो शायद ऐसी परिस्थिति ना बिगड़ती। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वहां जनता का स्मरण पत्र लेने के लिए भी कोई अधिकारी नहीं था। राज्य सरकारें किस तरह से काम करती हैं इसका यह एक उदाहरण है। वहां के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से उन क्षेत्रों में चावल की कमी है। यह बात नहीं है कि सरकारी गोदाम में नहीं है, लेकिन जो चावल सरकारी गोदाम में है वह जनता में वितरण के लिए नहीं लाया गया। चावल की कमी के साथ मिट्टी के तेल की कमी भी मिल गई। लोगों का उत्तेजित होना स्वाभाविक था, लेकिन अगर सरकार कुशलता से परिस्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करती तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं ना होती। लेकिन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए वहां गोली चली और उसके फलस्वरूप दूसरे दिन विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला। खाद्य मंत्री महोदय राज्य सरकारों को यह बात अच्छी तरह से समझाएं कि अब देश में अन्न का अभाव है और शासन सबको उचित मात्रा में पर्याप्त अनाज देने की स्थिति में नहीं है। तो लोग अगर उत्तेजित होते हैं तो ज़रा कुशलता से समझदारी से काम लें। मेरा स्पष्ट मत है कि जब तक किसी अधिकारी के या पुलिस वाले के मारे जाने का खतरा ना हो तब तक गोली नहीं चलनी चाहिए। थोड़े से पत्थर फेंके जाएं और पुलिस गोली चला दे और गोली चलाने का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट भी ना हो, न्यायाधीश भी ना हो, तो फिर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होगा। हमें परिस्थिति का मुकाबला बड़ी सहानुभूति के साथ करने का यत्न करना चाहिए। इस समय मुख्य समस्या अनाज के वितरण की है। देश में जितना अनाज प्राप्त है, जितना हम विदेशों से ला रहे हैं, क्या उसे ठीक तरह से बांटा जा रहा है? जब हम इस प्रश्न की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान क्षेत्रीय प्रतिबंधों की ओर जाता है। मैंने 21 फरवरी को एक सवाल किया था कि क्या सरकार जोन समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, तो मुझे उत्तर दिया गया वह इस प्रकार है। महोदया, मुझे आप क्षमा करें, विशेषज्ञ हमें हर तरह की राय देने वाले मिल सकते हैं। जैसे किसी मामले को लड़ने के लिए हर तरह के वकील मिल सकते हैं, उसी तरह से किसी पक्ष को पुष्ट करने के लिए भी विशेषज्ञ मिल सकते हैं।